हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल पोर्शन में हिंदी रीडर चैप्टर 15 एलियन मैजी और बच्चे। बच्चों, ये चैप्टर हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ आप बच्चों, इस स्टोरी में क्या है हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, ये आप सभी को पता है, और किसी भी प्लैनेट में जीवन हमारे संभव नहीं है। लेकिन अक्सर हम पत्र और पत्रिकाएं जो हैं उसमें पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह के भी जीवन होने की बात पढ़ते और सुनते हैं कि दूसरी जगह पर एलियंस रहते हैं। प्रस्तुत कविता में जो सॉरी प्रस्तुत कहानी में दूसरे ग्रह से आया प्राणी हमें शिक्षा दे रहा है। तो वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि हमें कहीं भी अपनी पृथ्वी पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, हमें कूड़े को इकट्ठा करके रखना चाहिए एक जगह डस्टबिन में डाल के, और हमें पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए और नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो बच्चों, यही स्टोरी है जो हमने क्लास में भी पढ़ी हुई है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। इसको आप एक बार और चैप्टर को अच्छे से रीडिंग कराएंगे। बच्चों, हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं कूड़ा फैलाएंगे या कहीं गंदगी उतारेंगे। हमें हर जगह साफ़ सफाई रखनी है, चाहे वो हमारा घर है या बाहर रोड है या कहीं भी है। ओके बच्चों, तो इसी चैप्टर के बारे में ये आपको बताया हुआ है। तो ये आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से वो एक एक करके छोटे छोटे पेड़ों को अपने साथ ले जाने लगा। तो जो बच्चे हैं उन्होंने देखा कि हमारे पेड़ पक्षी वगैरह सब कुछ अपने साथ लेके जा रहा है, तो उन्होंने जो है पूछा कि एलियन से कि भाई तुम जो एलियन, उसका नाम था एलियन मैजी, कि तुम हमारे जो पेड़ पौधे हैं क्यों लेके जा रहे हो अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम की बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करते हो, संभाल के नहीं रखते हो, यहाँ पे बहुत गंदगी है, इसलिए हम पेड़ों को पानी नहीं देते हो, इसलिए हम उनको लेके जा रहे हैं। तो जब वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो हम सांस कैसे लेंगे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना बच्चों। तो इसी बारे में आपको चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो ये आप अच्छे से एक बार और रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका बुक वर्क करते हैं। बुक वर्क में है, बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे। ये मौखिक प्रश्न है जो अब की बारी आपके अति लघु प्रश्न के लिए आएंगे, एक एक दो दो वर्ड्स के होते हैं ये। तो बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे, तो दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में। सेकंड क्वेश्चन है, अलीशा ने आसमान में क्या देखा, तो अलीशा ने आसमान में दो दो चांद देखे। तो एलियन किसे कहते हैं, दूसरे ग्रह का प्राणी। बच्चों का दम क्यों घुटने लगा, बिना पेड़ पौधे के कारण या बिना पेड़ पौधों के। सभी बच्चे किस काम में लग गए, साफ सफाई करने में। शब्द अर्थ है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। तो इसमें है अजीब, अजीब का है अनोखा, मनुष्य मानव, कतार पंक्ति, प्रार्थना विनती, दुनिया संसार। तो इस पर आपको लाइन नहीं खींचनी है, सिर्फ नंबर्स डालने हैं इसके पीछे की साइड। अब इसके फिलअप्स करेंगे, खाली स्थान भरिए। एक तंबू में चार बच्चों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, देखते ही देखते वह चांद धरती पर उतर आया, सभी पेड़ एकाएक बहुत छोटे हो गए, पशु पक्षी भी कतार बनाकर यान में चढ़ने लगे। हम आज से न खुद गंदगी फैलाएंगे और न किसी दूसरे को फैलाने देंगे या न किसी को फैलाने देंगे। किसने कहा, किससे कहा, वह देखो आसमान में दो दो चांद। तो ये कहा है अलीशा ने सब बच्चों से, हमें अपने साथ ले चलो। ये बरगद ने, बरगद के जो पेड़ हैं, बरगद के पेड़ ने मैजी से कहा, हम इन लालची मानवों के साथ नहीं रहना चाहते। ये पशु पक्षी ने मैजी से, तुम्हें हमारे पेड़ पशु पक्षी छीनने का कोई हक नहीं। आरव ने मैजी से,
जिसके क्वेश्चन आंसर है ये कॉपी वर्क में करा रखे हैं, इसको कॉपी में करेंगे। अब ये है आपकी एक्टिविटी के लिए, जितना हमने पहले पढ़ा है ये सब आपका एग्ज़ाम के लिए है। और इसके आगे यहाँ से आइए विचार करें, यहाँ से आपका सिर्फ ओनली एक्टिविटी के लिए है, इसमें आपका कोई भी वर्क एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टिविटी के लिए है, लेकिन इनको भी आप ध्यान से समझेंगे। जिन कामों प्रदूषण कम होता है उनके सामने स्माइल बनाइए, और जिन कामों से प्रदूषण होता है उनके सामने आप स्माइली नहीं, ऐसे रोने का चेहरा, बैड स्माइल बनाएंगे। ठीक है, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके जल देना चाहिए, तो ये हमारी स्माइली नहीं है, इस पर हम रोता हुआ फेस बनाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इसमें स्माइली देनी चाहिए, ये राइट है। कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए, ये भी राइट है। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए, ये रॉन्ग है। नहाने के लिए बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए, ये राइट है, क्योंकि नल से बहुत पानी, जो नल है उससे बहुत पानी वेस्ट होता है, इसलिए हमें बाल्टी और मग का प्रयोग करना चाहिए। फल सब्जी के छिलके, बासी भोजन, सूखी पत्तियाँ आदि ज़मीन में गड्ढा करके डाल देना चाहिए, तो ये भी स्माइली है, ये भी सही है। नीचे है भाषा से, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों से पर घेरा लगाइए। तो चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचाती चिड़िया थी, तो इसमें हरे भरे, रंग बिरंगे और चहचाती, ये सब क्या हुए, विशेषण हुए, इसी पे हमने गोल घेरा बना हुआ है। ये सभी आप होमवर्क करेंगे अपना बुक में। अब केवल ऊँचे नीचे, छोटे बड़े मकान ही नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ऊँचे नीचे और छोटे बड़े हैं। थ्री में है चंचल गिलहरी पेड़ पर चढ़ गई, तो इसमें चंचल है विशेषण। फोर में है साहसी आरव एलियन के पास चला गया, तो इसमें साहसी है विशेषण। रिक्त स्थानों में कोष्ठ से सही क्रिया चुनकर, क्रिया शब्द चुनकर लिखिए, तो इसमें है मेरी दादी जी पूजा कर रही है, मेरे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अमन विद्यालय जाता है, पेड़ मनुष्य की तरह चलने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, बच्चों ने मिलकर गंदा घर सुंदर कर दिया, हमें वीर बनना चाहिए कायर नहीं, मुझे हर प्रश्न का उत्तर पता है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के लिए दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। चांद, चंद्रमा, फूल, पुष्प, पक्षी, चिड़िया, पेड़, वृक्ष, सूरज, सूर्य, शिक्षिका, अध्यापिका। सॉरी, ये पिक्चर दो बार हो चुकी है, ये हमने कर लिया है। इसके नीचे यहाँ पे जीवन कौशल में एक छोटी सी स्टोरी है, इसको पढ़ेंगे। एक बहुत बूढ़ा आदमी आम का एक पेड़ लगा रहा था, तभी वहाँ से एक धनी आदमी निकला। उसने बूढ़े आदमी को आम का पेड़ लगाते हुए देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा आप यह पेड़ क्यों लगा रहे हो, आप तो इसके फल भी नहीं खा पाओगे। बूढ़े व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया होगा, ये आप इसमें नीचे से ही उत्तर पर ठीक का निशान लगाइए। तो मुझे पेड़ लगाना पसंद है, ये भी सही है। मेरे बाद अन्य लोग फल खाकर आनंद लेंगे, ये भी सही है। मुझे पेड़ लगाने के लिए रुपए मिलेंगे, ये गलत है, क्योंकि हम कभी भी रुपए के लिए काम नहीं करते हैं, रुपए के लिए पेड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए हम पेड़ पैसों के लिए नहीं करेंगे पेड़ लगाने का काम। मैं आपको इस बात का उत्तर क्यों दूं, ये भी गलत है। अब इसका कॉपी वर्क करेंगे। कॉपी वर्क में है शब्दार्थ, व्यवस्था, इंतजाम, कतार, पंक्ति, हक, अधिकार, एकाएक, अचानक, वीरान, सुनसान, बंधु, भाई,
अति लघु प्रश्न करेंगे। अति लघु प्रश्न इसमें हम दो दो वर्ड्स के, तीन तीन वर्ड्स के भी लिख सकते हैं। बच्चे पिकनिक मनाने कहाँ गए थे? तो दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में। अलीशा ने आसमान में क्या देखा? दो दो चांद देखे। एलियन किसे कहते हैं? दूसरे ग्रह का प्राणी। बच्चों का दम क्यों घुटने लगा था बिना पेड़ पौधों के? सभी बच्चे किस काम में लग गए? साफ सफाई करने में। लघु प्रश्न उत्तर है, बच्चों को जंगल में क्यों अच्छा लग रहा था? तो घर से दूर खुले आकाश के नीचे रहना बच्चों की को बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाती चिड़िया और सुहाना मौसम बच्चों को अच्छा लग रहा था। सेकंड क्वेश्चन है, एलियन के छूते ही बरगद क्या बोलने लगा? तो बरगद का पेड़ मनुष्य की तरह बोलने लगा, मैं जी हमें बचाओ, हमें यहाँ नहीं रहना, मानव हमें काट रहे हैं, हमें अपने साथ ले चलो। थ्री क्वेश्चन है, पेड़ पशु पक्षियों को अपने साथ कहाँ ले जा रहा था? तो मैजी पेड़ पशु पक्षियों को अपने साथ दूसरे ग्रह पर ले जाने के लिए यान में ले जा रहा था। आरव को दादाजी की कौन सी बात याद आई? तो ये है, पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। एलियन मैजी ने बच्चों को कौन सी शक्ति दी? तो एलियन मैजी जो था उसने बच्चों को यह शक्ति दी कि वे हमेशा अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, आने वाले समय में उनकी दुनिया बहुत ही सुंदर, साफ और हरी भरी होगी। तो बच्चों हम सभी को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पेड़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको कभी भी वेस्ट काटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, तो आप सभी इसका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।